मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिंदेर। अभी बज रहे हैं 6 और टेम्परेचर है अराउंड 13 या 14 डिग्रीज। बहुत ठंडा लग रहा है बाहर, टेंट के अंदर थोड़ा अच्छा कोजी था। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे हिंदेर तक पहुँचे थे कल, और यहाँ पे हमने स्टे करने का डिसाइड किया था। और आज का हमारा जो टारगेट है वो है पैंगोंग। तो आज पैंगोंग लेक पहुँचना है और वहाँ पे हम स्टे भी करेंगे। अभी जस्ट हम लोग सब थोड़ी देर पहले उठे हैं। आई एम ऑलमोस्ट रेडी, मेरा एक बैग पैक्ड है और बस ये कैमरा वगैरह डाल के दूसरा बैग पैक्ड हो जाएगा। नाश्ता करके निकल जाएंगे, अदर्स आर गेटिंग रेडी। तब तक मैं आपको ये जगह दिखा देता हूँ। सो ऐसे यहाँ पर टेंट्स है, काफ़ी अफोर्डेबल है, अराउंड 2000 रुपीज़ पर टेंट लेते हैं। हम 5 लोग हैं तो एक टेंट में हमारे 3 लोग रुके हुए हैं, बट कुछ एडिशनल चार्ज नहीं किया एक एक्स्ट्रा बेड के लिए। लेट्स सी व्हाट दीज गाइस आर डूइंग। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा आपको पहाड़ों में? मुझे तो बढ़िया लग रहा है यार, तुम लोग बताओ। हम लोग रोज पहाड़ देख देख के थक गए। पहाड़ों के अलावा कुछ और दिख जावे तो मजा आ जाए। क्या चले कैमल चलाने? करण को कैमल चलाने नहीं मिला है। ये इन लोगों के वजह से, कि आकिब राइड बाय आकिब के वजह से और एक ये सुशील के वजह से। हमने टिकट लिया था और अपन आधा घंटा खड़े भी थे। कैमल गए खाना खाने तो अपनी गलती है। तो क्या प्लान है फिर गाइस आज का? पैंगोंग, यहाँ से पैंगोंग कितना डिस्टेंस? कितना? तो भी 6 घंटा की ना घंटा जगह 10 240 किलोमीटर टू गो। कितना टाइम जाएगा कवर करना? Approximately 7 hours. That includes our breaks. Ready हो तुम लोग? सामान वामान packed? हम तेरे ऐसे नहीं है लेट लतीफ, हम सुबह से उठ के सबको उठाते हैं और खुद भी रेडी हो जाते। So guys, कोशिश करेंगे आज दोपहर तक पहुँचने की, या मैक्सिमम में भी 4 या 5 बजे तक पैंगोंग पहुँचने की, बिकॉज हमें फोटोज वीडियोज जो भी लेने हैं, डे लाइट रहेगी तो ही मज़ा है। सिर्फ नवीन है जो अभी तक बाइक पे पहुंचा है लगेज माउंट करने के लिए। मेरा भी लगेज रेडी है तो मैं भी जाके थोड़ा सा जो एटलीस्ट टेल बैग है वो माउंट कर लेता हूँ। टैंक बैग में ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह रखना है, अदरवाइज वी आर ऑल सेट, सिर्फ जैकेट पहन के निकलना है। ऑलराइट, सो वी आर ऑन द बाइक, इट इज़ 7:30। ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद अभी हम निकले हैं यहाँ से, हिंदेर से। लोकेशन डाल दिया है मैप पे पैंगोंग का। ऑन द वे दिस्किट मोनास्ट्री मिलेगी, सो वी प्रॉबली वुड टेक अ हॉल्ट ओवर देयर। और आज हमें हमारे जो जेरिकैंस हैं उन्हें भी फिल करना है। तो हमारे साथ और 2 राइडर्स हैं, एक के पास ड्यूक 390 है, एक के पास 350 है, जस्ट लाइक प्रथमेश। दीज गाइज वर कमिंग फ्रॉम मनाली और वो लोग श्रीनगर जा रहे हैं, बट आज पैंगोंग लेक उन्हें भी जाना है। तो जहाँ हम रुके थे वहीं पर थोड़ी बातचीत हो गई, सो वी थॉट कि वाई नॉट गो टुगेदर। तो वो है हमारे साथ पीछे, राइड कर रहे हैं। हिंदेर के सैंड ड्यून्स हमारे लेफ्ट साइड में, जो कैमल राइड्स थे वो लोग भी यहाँ तक लेकर आते हैं, प्लस ADV राइड्स भी है हिंदेर में, वो भी यहाँ पे लाते हैं। कैमल राइड्स का कॉस्ट है 350 पर पर्सन और ADV थोड़ा एक्सपेंसिव है, 1000 रुपीज़ है, बट आई थिंक कुछ 4 या 5 किलोमीटर्स तक चलाने देते हैं, प्लस दे अलाउ यू टू राइड ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली हमने दोनों चीज़ें नहीं की। कैमल राइड का तो हमने टिकट भी लिया था, बट वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हमने नहीं राइड किया वो टिकट्स। हमने और कोई थे जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था वेट करने से, सो उनको दे दी हमने। और वैसे ही काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी और बाइक पे हमारा सामान भी पड़ा हुआ था, सो वी जस्ट डिसाइडेड टू गो बैक। सो गाइज, अभी हम पहुँचे हैं दिस्किट मोनास्ट्री। सो दिस्किट मोनास्ट्री के बाद अभी हम पैंगोंग लेक की तरफ जा रहे हैं। 217 किलोमीटर्स है, 5.5 घंटे दिखा रहा है,
अभी 8 बज रहे हैं और ये सारी चीज़ें नुब्रा वैली का ही पार्ट है जो आप देख रहे हो अभी। थोड़ा आगे नुब्रा वैली में एक लेक आता है, आई गेस नॉट श्योर इफ इट इज़ अ रिवर, बट हम इनिशियली प्लान कर रहे थे वहाँ स्टे करने का राधा दन हुंदेर, बट मैप में वहाँ जाने के लिए पूरा वो लेक घूम के जाना पड़ता है, ने स्किप कर दिया है एंड राधा वी स्टेड ओवर हियर बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ वैली, मतलब दिस इज नुब्रा वैली, इट्स जस्ट कि थोड़ा सा व्यू अलग होता है वहाँ से। ऑलराइट, तो हम सभी ने फ्यूल अप कर लिया है यहाँ पे हुंदेर से। काफ़ी देर पहले ये पेट्रोल पंप था हलसार के आगे शायद से, तो अभी पेट्रोल का थोड़ा सा इशू हो जाएगा, फ्यूल का पंप काफ़ी डिस्टेंस तक नहीं है, तो हम सभी ने दो दो जेरी कैंस कैरी किए हैं। सो कल एक्चुअली हम यही रास्ते से आए थे, आज थोड़ा सा बैक ट्रैक करना पड़ेगा टू गो टूवर्ड्स पैंगोंग। दूर सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा सा स्नो भी है टॉप पे, थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है यहाँ पे। ये वैली में थोड़ी सी हरियाली भी है तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्लेजेंट टेम्परेचर है, चलाने मज़ा आ रहा है। अभी सिर्फ 9 ही बज रहे हैं सुबह के। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है हम अभी, कोई रेलिंग भी नहीं है, नीचे देख के डर जाओगे। थोड़ा सा सैंड है रोड पे तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कि अब सैंड में नहीं चलाऊं। काफ़ी ज़्यादा पत्थर वत्थर आ गए हैं नीचे रास्ते पे। थोड़े से वाटर क्रॉसिंग्स मिल रहे हैं हमें, शूज़ में थोड़ा सा पानी चले गया है बट अदरवाइज़ काफ़ी मज़ा आ रहा है। फर्स्ट गियर पे ले लेते हैं, काफ़ी बढ़िया रोड है ये जो एक्चुअली लेफ़्ट राइट में पानी होना चाहिए, लेफ़्ट साइड में तो आइडियली पानी होना चाहिए, ये थोड़ा कम है, कहते हैं कि ये ओवरफ्लो भी होता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए वाटर लेवल काफ़ी नीचे है, इसके लिए सारे पत्थर वत्थर भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ख़राब पैच आ गया था एक और हालत ख़राब हो गई थी, बट कर लिया यार जैसे तैसे।
फ्लोर और कुछ वाटर क्रॉसिंग्स। काफ़ी सारे पत्थर हैं और काफ़ी डेंजरस है। कब का जजमेंट होना चाहिए बाइक का, पर अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपके पास डेफिनेटली जजमेंट होगा ही। खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है यार। अरे मेन टाइम पे अपना गोप्रो बंद हो गया था, पीछे भी बहुत भयानक भयानक वाटर क्रॉसिंग थे। एक गाड़ी फंस गई है और नवीन गिर गया शायद से। बहुत खतरनाक वाली क्रॉसिंग है यार। अरे बाप रे, पैंगोंग का रास्ता भाई बहुत खराब है। रेत, पानी, पत्थर सब कुछ है भाई इधर। फेयरिंग इधर सब लूज हो चुकी रहेगी अभी तक। शी यार, हो बट ठीक है ना। मीन मतलब सी अभी मैं ठीक हूँ, पर तभी भी आई एम हैप्पी दैट आई स्टेड काम। प्रेशर आया था पैर पे, बट मैंने बाइक छोड़ी नहीं। सिर्फ वो जो भाई थे इस तरफ, उनको मैंने कहा कि भाई इस तरफ से आके थोड़ा सा वो दे दो, बस सर फिर निकल गए। खड़ा हूँ मैं अभी बाइक पे। ये जो बैग है ना पीछे वाला, ये पूरा मेरे सीट पे आ गया है। बहुत खराब रास्ता है यार। अभी और 2 घंटा है पैंगोंग पहुँचने के लिए। ऑलराइट गाइस, बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत सारी तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग करने के बाद, अंजर पंजर पूरे बाइक के और मेरे हिलाने के बाद, फाइनली हम पैंगोंग लेक आए हैं। मैं प्रॉब्ली थोड़ा सा कलर ग्रेड करूँगा जब ये वीडियो डालूँगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है लेक का, एकदम अनरियल है। ऐसा लग रहा है किसी ने सैचुरेशन बढ़ा दिया है लेक का। गुड इवनिंग गाइज, अभी बज रहे हैं 7:43। हम हैं पैंगोंग लेक में, मेरे पीछे देख सकते हो आप। हम पहुंच गए थे 2:30 बजे। जो रास्ता है ले से पैंगोंग आने का, या हम हुंदेर से पैंगोंग आए थे तो उस तरफ से यहाँ पे आने का जो रास्ता है गाइज, बहुत ही ख़राब है। मैं बता नहीं सकता कितना ख़राब है। हार्ड कोर ऑफ रोड करने के लिए रेडी रहना अगर आप उस रूट से यहाँ पे आ रहे हो। और एक और चीज़ गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू हो रहा है कुछ लोगों को, मुझे अभी तक तो नहीं हो रहा है। नॉर्मल जो सांस फूलती है मेरा, वो वाला सीन है, थोड़ी सांस फूल रही है, बट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो नहीं रहे हैं। नवीन तुझे हो रहा है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इतना ठंडा है ना कि बोलने भी नहीं जम रहे। तो अभी यहाँ पे एक और इशू ये है कि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क, आराम से नीचे उतर के जाना है, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है।
यहाँ पे सिर्फ जियो पोस्टपेड का नेटवर्क मिलता है और BSNL का नेटवर्क मिलता है। मेरे पास एक जियो का पोस्टपेड का सिम है, टेम्प्ररी नंबर मैंने एक लिया था इस ट्रिप के लिए अभी रिसेंटली, तो उसका नेटवर्क पकड़ता है, बट उस नेटवर्क के लिए हमें वहाँ लेक के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोपहर में पहुँच तो गए थे, बट वो ऑफ रोड करने के बाद बहुत ही थक गए थे, तो नहा के थोड़ा सो गए थे, छोटा सा एक नैप ले लिया था। अभी जा रहे हैं लेक के पास, क्योंकि घर पे भी फ़ोन नहीं किया है, सो थोड़ा नेटवर्क के रेंज में आ जाएंगे तो घर पर भी थोड़ा कॉल हो जाएगा। रास्ता है तो ही चल भाई। और अभी बात ऐसी है कि वहाँ पीछे की तरफ आप देख सकते हो वहाँ पे थोड़ा अंधेरा छाया हुआ है, वीडियो में थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है बट एक्चुअली इतना ब्राइट है नहीं, काफ़ी अंधेरा हो रखा है वहाँ पे, और बिजली बिजली भी चमकते हुए दिखाई दे रही है, तो पक्का बारिश हो रही है वहाँ पे। अगर वो बारिश यहाँ तक आ गई तो होटल तो अभी बहुत पीछे रह गया है, इतना भाग के जाना पड़ेगा। तो हम लोग आ तो गए हैं, यहाँ पे जो रेंज है वो भी फुल दिखा रहा है, ऑलमोस्ट फुल दिखा रहा है 4G, लेकिन कॉल नहीं लग रहा यार। और यहाँ पीछे बिजली चमकना चालू हो गई है यहाँ पे और यहाँ पे भी, और बहुत ही तेज़ हवा चल रही है और बहुत ठंडी लग रही है। सो देखते कोई और तरीका रहेगा, कोई किसी के BSNL नंबर से फ़ोन करता हूँ घर पे, बट अपने फ़ोन से तो नहीं हो पा रहा है। वापस जाते हैं होटल में। सो वापस आ गया हूँ मैं अपने रूम पे, बहुत ठंडा है यार बाहर। करण की हालत भी यहाँ पे ख़राब हुई है। नेटवर्क है यार करण, फुल नेटवर्क है, लेकिन है ना ये लोग ने शायद से जैमर वैमर बिठा के रखे है, तो नो कॉल्स नो इंटरनेट। बहुत ठंडा है बाहर, बहुत ठंडा है, सब बंद रखेंगे तो ही बेटर है, हमने सब बंद करके रखा है। थोड़ा सा वार्म है क्योंकि सब कुछ बंद है यहाँ पे, बट नहीं भाई सब लोग बोल रहे थे कि पैंगोंग में बहुत ठंडा रहेगा और ये सच बात है। अभी तो सिर्फ 8 बजने वाले हैं शायद से, अभी और रात में और भी ज़्यादा ठंडा होगा। लेट्स सी, मैं भी थोड़ा सा और आराम कर लेता हूँ, बाहर जाके तो कुछ मतलब है ही नहीं अभी। सो गाइज अभी 1:15 हो रहा है, 12:45, और बाहर एकदम ज़ोरों की बारिश हो रही है और टेम्परेचर भी काफ़ी गिरा हुआ है, आई एम प्रिटी श्योर 10 के नीचे है। 10 के नीचे करण कैसा लग रहा है? फ्लैश भाई बहुत ज़ोरदार बारिश चालू है, नींद ही उड़ गई इतना आवाज़ और हवा, पता नहीं नाइट भी नहीं है यहाँ बाहर। देखने जाने की या खिड़की के नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं है, ब्लैंकेट वैंकेट लेके है हम लोग पर नींद नहीं आ रही है इस आवाज़ की वजह से। Take it out, 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 take